दूसरा नंबर लेकर आओ, आप वहीं रहेंगे, व्यक्ति भर को आना है। महाराज जी आपके कहे अनुसार मैं इस भीड़ में गया और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की सत्यता को जानने के लिए ये टीवी 9 भारतवर्ष को जानना जरूरी था कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। सवाल उठाना आसान है लेकिन अपनी प्रमाणिकता को देना, जिस तरह से कल से आप लगातार मंच पर बैठे हुए हैं और कल से हम ललकार भी रहे हैं और ललकार भी रहे हैं, ये उत्सुकता है पूरे देश में। अच्छा ये कितना नंबर हो रहा है? ये नंबर 2 है भैया, कैच करिएगा, ये नंबर 2 है। रुकिएगा, अब एक पर्चा हम और बनाएंगे, हाँ, और उस 2 में से फिर आप जिसको कहेंगे उसी में से निकलेगा। ठीक है, तो हम और ये नेशनल टेलीविजन पर, महाराज जी ये नेशनल टेलीविजन पर पूरा टीवी 9 भारतवर्ष लाइव दिखा रहा है ताकि लोगों में दिमाग में जो द्वंद है वो खत्म हो जाए और वो ये जान सके कि दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। आप लोग मानते हैं? तो हमारे कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं महाराज जी के कहने पर यहां से मैं भीड़ में गया और मैंने देखा कि भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मुझे एक महिला दिखी जिनका बच्चा विकलांग था, मैं उनको लेकर आया हूं, वो महिला आ चुकी है, अब महाराज जी के सामने समक्ष पेश करूंगा। इससे पहले इस महिला को लेकर ना मेरी कोई बातचीत हुई, ना महाराज जी की बातचीत हुई, ना इस महिला से मेरी कोई बातचीत हुई, इनके परिवार से। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते और महाराज जी मुझे नहीं जानते। इतना ये नंबर कौन सा है? ये नंबर 3 है। 2 नंबर और 3 नंबर पर्चा आपने बनाया है, नंबर 3। ठीक है, अब आप भेजिए उनको, अब आइए, आप आइए। मैंने जिनको भीड़ में से चुना है इनकी तस्वीर देखिए, इनको 2 नंबर पहले से लिखा रखा है, एक नंबर और हमने लिख दिया है। आइए उनको, बच्चे को लेकर आइए, इस बच्ची को लेकर आइए, ये पिछले 4 दिन से इस दरबार में वहीं रहने हैं, यहाँ रखिए, इस बच्ची को यहाँ लेकर बैठ जाइए। अब इनकी माता जी चली गई हैं, आगे मैं मंच सुपुर्द करता हूँ आपको, माइक ले लो आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिना माइक के तो बोलना है पर कुछ देर के लिए तो ले लो। अच्छा पत्रकार महोदय जी, आपने इनका वहाँ इंटरव्यू लिया? मैंने इंटरव्यू लिया और तो इनके पास में फिर एक पर्चा निकला होगा। हाँ बिल्कुल निकला। एक पर्चा ये लेकर आई है जी। अब माइक कुछ देर के लिए तो ले लीजिए, हैं? माइक नहीं जी, है बहन, ले एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय। खोलो पर्चा, क्यों उपाध्याय जी क्लियर हो गया? हाँ जी बोलो। मेरी बेटी का नाम ईशु नायक है, जो क्या नाम है? ईशु नायक, जो चल नहीं पाती है और ठीक से बोल नहीं पाती है। ठीक है, और कुछ नहीं? और कुछ ठीक है, इसमें एक बात और लिखी, बाबा बागेश्वर की दया हो। हमारे बालाजी पर्चा भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। वो प्रमाणित ये आज का नजारा है रायपुर का, जो कहते थे कि दिव्य शक्ति क्या होती, दरबार क्या होता, ये नजारा ही देख लें यही बहुत है। चलो नंबर 2 नंबर 3 इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है ये भी तुम पे निर्णय। अच्छा महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है, तो एक बार आपके कहने पर लाइव टेलीविजन के सामने महाराज जी मैं ये खोलने जा रहा हूं और मैं ये चुनाव करने जा रहा हूं ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों का कल्याण है। आप तो नंबर बता दो, ठीक है, आप प्रमाण नहीं देंगे। नंबर 3 महाराज जी, नंबर 3 पर्चा खोलिए, फाइनल फाइनल 2 करवाओ, 2 पहले से रखा है। नहीं लेकिन मुझे नंबर 3 देखना है भाई, नंबर 3 बताइए, नंबर 2 या 3? मैं साला हूं यार, इनने तो 3 ही है, 3 ही है ना। 2 नंबर 3, ये कितना नंबर है? ये नंबर 2, ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी बेटी है? पढ़िए,
शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है, कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी माँ फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये तुम्हारा पर्चा है। वो पर्चा भी दिखाइए, वो पर्चा भी दिखाइए लाइव टेलीविजन के सामने। देखिए दिव्य दरबार की उस शक्ति को जिसको लेकर चैलेंज किया गया कि जो हो रहा है उस पे सत्यता कितनी है, महाराज जी में कितना दम है, बालाजी महाराज में, बागेश्वर महाराज में कितना दम है, वो सब कुछ लाइव टेलीविजन कैमरे के सामने प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष को। ये नंबर भी फिर से एक बार दिखा दीजिए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठठरी। कितना नंबर है महाराज जी? 3 नंबर। उठो, बागेश्वर धाम की जय।